संचालन कराती आई है। पहली बार अब सरकार भी बेचेगी शराब। ऑनलाइन नीलामी के पहले चरण में 50 ठेके खरीदे गए, बाकी बचे हुए 1843 ठेकों पर भी बोली लगाई जाएगी। आरएसबीसीएल और जीएसएम बेचेगी शराब। अगर नीलामी के कुछ दुकानों की बोली नहीं लगती है तो ये संस्थाएं उनका भी संचालन करेगी। प्रदेश में पहले चरण के तहत 5,822 दुकानों की नीलामी हो चुकी है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो पहले चरण की नीलामी में इन संस्थानों ने जिन 50 से ज्यादा दुकानों पर बोली लगाई वे चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व जयपुर आदि जिलों में है। सरकार की अनुमति के बाद आबकारी विभाग में दुकानों की तय राशि जमा कराई जा रही है। अब विभाग ने आरएसबीसीएल और जीएसएम को दूसरे चरण की नीलामी में भी भाग लेने के आदेश दिए हैं। आरएसबीसीएल और जीएसएम में लगे कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाएगा। जयपुर में हुई बैठक में नीलामी और दुकानों को चलाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। इसके लिए नियम तैयार किए जाएंगे। इससे पहले देश में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सरकार की संस्थाएं शराब दुकानों का संचालन करती आई हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर, जहां पहली बार प्रदेश में अब सरकार भी बेचेगी शराब।